तो भाई का रूमर एक रेसलमेनिया 39 के बाद आउट होने वाले हैं WWE से और उनकी जगह पे भाई एज चैंपियन बनने वाले हैं। भाई ब्रॉक लेसनर और ओमोस का मैच फिक्स हो चुका है रेसलमेनिया 39 के लिए और ब्रे वायट और बॉबी लैशली का भी मैच हो चुका है फिक्स रेसलमेनिया के लिए। और भाई WWE ने ऑफिशियली बता दिया है कि कब सामी ज़ेन ज्वाइन करने वाले हैं केविन ओवेंस को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई अपनी पहली खबर को शुरू कर लेते हैं रूमर रिंग से। तो क्या भाई रूमर रिंग आउट होने वाले हैं WWE से रेसलमेनिया 39 के बाद से। ये मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, किसी ऑफिशियल वेबसाइट से मेरे को पता चला है कि भाई जैसे कि 39 ओवर हो जाएगा उसके बाद और भी कोई PPV इवेंट होगा WWE का, उसमें भाई रोमन रेंस बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं है। रोमन रेंस का पोस्टर में भी कोई नामो निशान नहीं है। तो भाई आप स्क्रीन पर मनी इन द बैंक के पोस्टर देख सकते हो जो कि भाई जून में होने वाला है शायद से। तो उसमें भाई रोमन रेंस का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है पोस्टर में। भाई कोडी रोड्स भी है पर रोमन रेंस कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं। चाहे भाई WWE का कोई भी PPV इवेंट हो तो भाई उसमें रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया जाता है, उसमें रोमन रेंस का पोस्टर भी लगता है हर PPV इवेंट में, पर भाई इस बार रोमन रेंस की फोटो नहीं है मनी इन द बैंक में। और भाई इसको लेकर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई रोमन रेंस WWE से आउट होने वाले हैं तो क्या भाई उनके पास चैंपियनशिप भी होगी? क्या रोमन रेंस चैंपियनशिप के साथ WWE से आउट होने वाले हैं या फिर चैंपियनशिप ड्रॉप करके आउट होने वाले हैं? और क्या भाई रोमन रेंस के बाद एज WWE चैंपियन होने वाले हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं कि एज WWE में चैंपियन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि भाई एज ने जो कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन किया है उसमें भाई एज ने साफ साफ कहा है कि मैं चैंपियन नहीं बनने वाला हूं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में चैंपियन बनना नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं बस एक सुपरस्टार बनना चाहता हूं, चैंपियन नहीं बनना चाहता मैं। तो भाई रोमन रेंस के बाद कौन चैंपियन होने वाला है वो तो नहीं पता चल रहा है, पर भाई रोमन रेंस आउट होने वाला है ये लगभग बताया जा रहा है। भाई अगली खबर को शुरू कर लेते हैं हम, जो कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रे वायट से जुड़ी हुई है। तो भाई कुछ दिनों पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रे वायट आते हैं और वो भाई अपना प्रोमो कट करते हैं, उसमें भाई वो बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर को साफ साफ वॉर्न करते हैं। तो भाई ब्रे वायट दोनों को वॉर्न करते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्मैश करने वाला हूं, बस तुम मेरे हाथ लग जाओ। तो भाई ऐसे में जो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैच हुआ था ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली, मैं भाई बॉबी लैशली जीत चुके हैं। तो भाई ऐसे में बॉबी लैशली ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं ब्रे वायट से लड़ने के लिए। तो भाई अब रेसलमेनिया 39 के अंदर दोनों का मैच देखने को मिलेगा। भाई दूसरी तरफ WWE प्लान कर रही है कि हम ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस करवाएंगे रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो भाई इन दोनों का मैच भी ऑफिशियल बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 39 के अंदर होगा बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का। तो भाई अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी को कवर कर लेते हैं जो कि भाई जुड़ी हुई है सामी ज़ेन और केविन ओवेंस से। तो भाई सामी ज़ेन कब ज्वाइन करने वाले हैं केविन ओवेंस को उसको मैं आपको बता देता हूं। तो भाई बताया कुछ ऐसा जा रहा है कि 4 मार्च को स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस और सोलो सिकोवा वर्सेस सामी ज़ेन और केविन ओवेंस का मैच होने वाला है। और भाई इससे पहले सामी ज़ेन केविन ओवेंस को ज्वाइन करेंगे तभी तो भाई टैग टीम मैच होगा ना रोमन रेंस का सोलो सिकोवा के खिलाफ। तो भाई बताया ऐसा ही जा रहा है कि सामी ज़ेन जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे केविन ओवेंस को। भाई कुछ दिनों पहले स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस आते हैं और वो सामी ज़ेन को कहते हैं कि भाई मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, तो मेरे से कभी भी मदद मांग ले मैं तेरे लिए हमेशा हाजिर हूँ। तू मेरे से कभी भी मदद नहीं मांगता है, मेरे से मदद मांगा कर, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, हमेशा हम साथ में रहेंगे, ऐसे कुछ कहते हैं केविन ओवेंस। तो भाई WWE टैग टीम मैच भी करवा रही है। तो भाई ऐसे में सामी ज़ेन और केविन ओवेंस जल्दी से जल्दी दोस्त बन जाएंगे। तो भाई क्या आप इन दोनों को दोस्त बनते हुए देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई बस आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली ही नेक्स्ट वीडियो में।